उनारिया का एक्सपीरियंस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस. दोनों मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है. ये ईशा को जानना बहुत मुश्किल है, वो कम्प्लीटली बिग बॉस मटीरियल है. उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था अभिषेक के साथ में एज ए फ्रेंड ऑल्सो. रियलिटी शो में जाकर एक एक्टर को थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर मिल जाता है कि अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था ये चीज़ देखकर. जब तक आप लोगों को जानते नहीं, तब तक आपकी लोगों से लड़ाई कैसे हो सकती है. ये एक गेम का उसके पार्ट होगा कि मैं एटलीस्ट सेटल डाउन हो जाऊँ इस घर में. देखिए, मैं चाहता तो हूँ कि ईशा विनर हो, क्योंकि वो डिजर्व करती है. आई एम रोहित पुरोहित एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का. गौना शो के पहले हमने आपको उडारिया में देखा, सो वी वांट टू नो कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा वहाँ कास्ट के साथ. अब तो आपके कास्ट कुछ बिग बॉस में भी जा चुके हैं, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? उडारिया का एक्सपीरियंस वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. चंडीगढ़ में हम लोग शूट करते थे सर्दियों के दिनों में, और जो पूरी कास्ट थी वो सब लोग मोस्टली सब नए थे, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. वी यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फन सेट पर भी और पैकअप होने के बाद भी, क्योंकि वी ऑल यूज़ टू लिव इन द सेम बिल्डिंग, तो बहुत मज़ा आता था उन लोगों के साथ में. लाइक क्रेजी बंच ऑफ पीपल, और हम वी यूज़ टू पार्टी, यूज़ टू प्ले क्रिकेट. बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ. आपसे जानना चाहेंगे, उडारिया ने आपकी लाइफ में कितनी उडारियाँ भरी? उडारिया ने मेरी लाइफ की में बहुत उडारियाँ भरी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक सोशल शो करने की सोच रहा था, क्योंकि मेरे जितने भी उडारियाँ से पहले शोज रहे थे वो बहुत ही यू नो क्रिएटिवली वेरी हाई शोज. धड़कन था, पोरस था, रज़िया सुल्तान, ये सब शोज थोड़े डिफरेंट शोज थे, और उडारियाँ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. और मेरा उडारिया में जाना भी लाइक बहुत ही अचानक से हुआ, तो मेरी उडारियाँ लाइक अभी फ़ोन कॉल आया और सुबह की मेरी फ़्लाइट थी. तो ये ऐसा पहली बार मैंने ऐसा शो किया जो रात को चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं और सुबह से आई एम शूटिंग. तो इतने जल्दी जल्दी में फाइनलाइज हुआ सब कुछ, और उसके बाद भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी समर्थ के साथ. अभी हमने समर्थ के साथ जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि ईशा, आप और समर्थ तीनों ही पूरे टाइम एक दूसरे के साथ रहते थे, मस्ती मज़ाक काफ़ी चलता था. तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत ही, दोनों मेरे दिल के बहुत ही क्लोज हैं, और समर्थ क्योंकि मेरा भाई प्ले कर रहा था उसमें, और हम दोनों का आई कलर भी सेम है, तो हम लोगों की बॉन्डिंग भी लाइक उसी तरह से हुई. बट चलो ये तो अलग चीज़ें हैं, बट ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल बॉय, और मेरे को बहुत मज़ा आया उसके साथ. ईशा के साथ हम लोग बहुत फ़न करते थे, क्योंकि हम तीनों एक ही बिल्डिंग में थे, एक ही इनफैक्ट विंग में थे, तो हम लोग साथ ही आते थे, साथ ही जाते थे. एंड वी ऑल यूज़ टू लाइक थ्री ऑफ अस स्पेशली यूज़ टू चिल टुगेदर पूरे टाइम. जब सीन नहीं हो रहा है तो हम लोग साथ में रूम में बैठते थे, एंड बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था. लाइक दे वेरी क्लोज टू मी. नाउ ईशा इज़ इन बिग बॉस हाउस, तो डू यू थिंक शी इज़ बिग बॉस मटेरियल, वहाँ सर्वाइव कर पाएंगी? बिकॉज जितना हमें पता है, हमने देखा है, ईशा इज़ वेरी स्वीट, क्यूट एंड बबली काइंड ऑफ गर्ल. सो आपको क्या लगता है, और बिग बॉस में तो इतना क्यूटली सब स्वीटली इतना तो कुछ होगा नहीं. आपको ईशा, देखिए ईशा को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईशा सिर्फ क्यूट बबली और ऐसी लड़की नहीं है. शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी मेच्योर, शी इज़ वेरी यंग राइट नाउ, लेकिन फिर भी वो बहुत स्मार्ट है. और आप देख ही लीजिए ना, जिस तरह से शी इज़ जस्ट 19 एंड हाफ, और जिस तरह से वो काम करती है, जिस तरह से अपना पूरा सोशल मीडिया हैंडल करती है, सो शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, और वो कम्प्लीटली बिग बॉस मटीरियल है. और अभी तो उसको गए 2 ही दिन हुए हैं, बट जैसे जैसे वो वहाँ पर रहेगी वैसे वैसे सबको पता चलेगा कि वो सिर्फ ऐसी छोटी क्यूट और ऐसी नहीं है. शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी वेरी केपेबल ऑफ विनिंग द ट्रॉफी. कुछ दिन पहले तक ये, मतलब अभी भी ये खबर है, बिग बॉस में भी इस बात का चर्चा हुआ था कि ईशा, अभिषेक और ईशा जब साथ में थे तो वहाँ की ईशा किसी न किसी को डेट कर रही है, और खबर साथ ही साथ ये भी थी कि समर्थ को डेट कर रही है. तो इस खबर में आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? समर्थ को डेट कर रही है ये तो खबर मैंने कहीं पर सुनी नहीं, बिकॉज हम लोग साथ में ही थे एंड दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो समर्थ को डेट नहीं करी, क्योंकि वो एक ही स्टेट से आते हैं और वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, सो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. हाँ, वो फीलिंग्स थी, तो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. और रही बात अभिषेक की, वो भी मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं, बिकॉज अभिषेक ईशा के साथ बिग बॉस में उडारिया में था, एंड उन लोगों का काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, उन लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी. और अब जितनी ईशा से मेरी बात हुई थी अबाउट अभिषेक, वो तो ऐसा ही था कि ऑब्वियसली जैसा ईशा ने बताया कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था अभिषेक के साथ में एज ए फ्रेंड ऑल्सो. सो अभी आई कैनॉट कॉमेंट ऑन देयर स्टेटस कि उनका क्या स्टेटस था, एंड वो तो अब वो दोनों ही बताएंगे, या जो लोग उस टाइम पर उनके साथ में थे वो बता सकते हैं. आपको कभी बिग बॉस ऑफर हो तो आप, होता ही होगा या फिर आगे होगा, तो आप जाना पसंद करेंगे? हम आपको कब देख सकते हैं बिग बॉस में?
देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ टाइम पहले तक तो ये बोलता था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता. अभी भी मेरा बिग बॉस में जाने का कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं, बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ इन एनी रियलिटी शो. फॉरगेट अबाउट बिग बॉस, किसी भी रियलिटी शो में आई वॉन्ट टू वर्क एज एन एक्टर. और रियलिटी शोज़ में जाने से सी यू गेट अ इंस्टेंट फेम एंड यू नो सारी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रियलिटी शो में जाकर एक एक्टर को थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर मिल जाता है, जिसकी वजह ये सीजन कितना फॉलो कर रहे हो आप? ये सीज़न मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि ईशा वहाँ पर है तो और शीना और मैं हम लोग देखते हैं, शीना के भी शी इज़ वेरी क्लोज, तो जब मैं पहुँचता हूँ घर पे तो शीना मोस्टली बिग बॉस लगा कर रहती है, वो कहीं बाहर भी होती है तो शी आस्क्ड मी कि बिग बॉस लगाओ, फिर देन वी वॉच इट ऑन रिपीट ऑल्सो कि अगर कुछ मिस हो जाता है तो. सो वी आर डेफिनेटली फॉलोइंग बिग बॉस दिस सीज़न बिकॉज ऑफ ईशा. And anyways, Big Boss is my favorite show. I'm hardcore Big Boss fan. So, ये season आपको क्या लगता है? Like अभिषेक पे तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये गुस्से वाला टैग लगने वाला है, बात बात पे भड़कना, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? If I'm not wrong, तो आपने उनके साथ काम नहीं किया है? मैंने नहीं, मैंने अभिषेक के साथ काम नहीं किया है. और सी ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग और पंजाबी है, तो थोड़ा सा खून मुझे लग रहा है जितना मैं देख रहा हूँ थोड़ा गर्म है, बट हाँ उसको डेफिनेटली अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है. सी जितना मेरे को समझ में आ रहा है वो अग्रेसिव भी हो रहा है, देन इज़ आस्किंग फॉर अपॉलोजी ऑल्सो, तो वो चीज़ें बहुत समझ नहीं आ रही. तो इतना इंपल्सिव होने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होती लाइफ में. पहले सिचुएशन को समझ लो, लोगों को जान लो, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब तक आप लोगों को जानते नहीं तब तक आपकी लोगों से लड़ाई कैसे हो सकती है इतना जल्दी. अगर आप किसी को जानते हो और आपको पता है वो इंसान का नेचर, देन यू कैन फाइट विद दैट पर्सन. बट बिना जाने दो दिन में तीन दिन में हर बात पर, छोटी छोटी बात पर अग्रेसिव होना, आई थिंक इट्स नॉट कूल. ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि ईशा को डबल स्टैंडर्ड बुलाते हुए, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, नेगेटिव भी आए हैं, तो इस पर बात करना चाहूँगी कि पहले ईशा ने, जैसे कि हमने देखा कि बेड शेयरिंग को लेकर अभिषेक के साथ कम्फर्टेबल नहीं थी, लेकिन बाद में अब वो खुद से भी अभिषेक को बुला रही हैं कि हाँ हम चलेगा, वी आर कूल, वी आर फ्रेंड्स, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? सी टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था ये चीज़ देखकर कि उसने एक एपिसोड पहले ये बोला कि मैं यू नो जो जो भी चीज़ें उन दोनों के बीच में हुई, और नेक्स्ट एपिसोड में जब मैंने सुना कि वो कह रही है कि मैंने माफ़ कर दिया है, थोड़ा अजीब तो ऑब्वियसली लगा था कि इतना जल्दी इतनी सब चीज़ों को भूलना मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी उसके मुँह से वो चीज़ें बहुत बार सुनी है. बट देन बिग बॉस सी ऐसा शो है जहाँ पर जब आप पहुँचते हो वहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट लोग आए होते हैं, तो एक कंफर्ट जोन आपको एक सेटल होने के लिए घर में मिलता नहीं है. तो जब आप किसी को पहले से जानते हो, चाहे एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो चाहे अच्छा रहा हो, तो मुझे लगता है वो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील होता या उसको हुआ होगा कि जो कड़वी बातें हैं मैं उसको कुछ टाइम के लिए साइड में रखती हूँ, लेट मी गेट सेटल डाउन इन दिस हाउस, कि कोई इंसान ऐसा हो जिसको मैं पहले से जानती हूँ. क्योंकि ये सब लोग जितने भी हैं, आई डोंट थिंक सो ईशा उनमें से किसी को भी पहले से जानते हैं जितना मुझे पता है. तो वो एक कम्फर्ट जोन में आने के लिए शायद उसने ये एक गेम का उसके पार्ट होगा कि मैं एटलीस्ट सेटल डाउन हो जाऊँ इस घर में, और फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं, क्योंकि जो जो भी उसके साथ हुआ है, जैसे जो जो उसने बताया है, उसके बाद किसी को भी एक दिन में माफ़ करना बहुत मुश्किल है, और आई एम श्योर उसने अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन शायद ये उसके गेम का पार्ट है. ओके, लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है, आप चाहते किसे हैं कि विनर कौन होना चाहिए? देखिए मैं चाहता तो हूँ कि ईशा विनर हो, क्योंकि वो डिज़र्व करती है, और जितना उसने अचीव किया लाइफ में इतनी कम एज में और इतने कम टाइम के अंदर, सो आई रियली वांट हर टू विन, एंड आई एम श्योर शी विल विन, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. उडारिया में लोगों को वो इतनी पसंद आई है और चैनल पे इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी, सो आई रियली वांट हर टू विन डेफिनेटली. एंड आपको क्या लगता है कि जीतेगा कौन? मतलब कई बार तो हमारा चाहा हुआ होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है आपको अब तक? टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक, सच बताऊँ तो मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, किसी की भी पर्सनैलिटी ऐसे स्ट्रांगली बाहर अभी तक आई नहीं है. तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे पिछले जब जिस सीज़न में रुबीना थी तो उसको आप शुरू के दो तीन एपिसोड में देख के ही बोल सकते थे कि ओके, या प्रियंका थी, ये ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको देख के आप बोल सकते थे इसमें विनिंग क्वालिटी है. तो मुझे अभी तक इस टाइम तक किसी में भी वो क्वालिटी नज़र नहीं आई है, बट जितना क्योंकि मैं ईशा को ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे पता है कि वो कहीं से भी पीछे तो रहने वाली नहीं है. That's it, रोहित. रोहित आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम.